Hello students, this is our next topic and from this topic we are going to start our fourth unit. अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ई गवर्नेंस के मेजर एरियाज, जिनमें से हमने चार मेजर एरियाज, चार मेजर सर्विसेज पढ़ ली हैं, जिनमें से कुछ के नाम हैं पब्लिक ग्रीवियंसेस, रूरल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पुलिस सर्विसेज. इसी के कंटिन्यूशन में हमारे पास चार सर्विसेज और हैं, जिनमें से दो सर्विसेज आज हम यहाँ पढ़ेंगे, पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड कमर्शियल सर्विसेज. ठीक है, एंड सो लेट अस स्टार्ट विद द आवर फर्स्ट सर्विस व्हिच इज़ पब्लिक इंफॉर्मेशन. व्हाट इज़ पब्लिक इंफॉर्मेशन? मैं आपको यहाँ पे दो बातें बहुत इजी भाषा में समझाऊँ. पब्लिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? हमने एक बार एक मॉडल पढ़ा था विच वॉज वाइडर डिसमिनेशन मॉडल, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हम लोग ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ओपन टू ऑल, जो सबको पता होनी चाहिए या जो किसी से छुपी नहीं होनी चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट कर रहे थे ऑन लार्जर स्केल विद लार्जर नंबर ऑफ पीपल, ताकि हर कोई उस इंफॉर्मेशन से बेनिफिट्स ले सके. इस इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करने के लिए हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर या और कमर्शियल मीडियम्स को यूज़ कर रहे थे, जो अलग अलग लोगों तक लार्ज स्केल में पहुंच सकते हो. इसी मॉडल के अंदर हम जो कैटेगरी पढ़ रहे थे कि किस तरह की इंफॉर्मेशन को हम लोग ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन थी हमारी पब्लिक इंफॉर्मेशन. तो पब्लिक इंफॉर्मेशन क्या थी? वो इंफॉर्मेशन जो हर तरह के सिटीज़न के लिए सेम रहती हो और हर तरह का सिटीज़न उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता हो, उस इंफॉर्मेशन में कोई भी प्राइवेसी, कोई भी सीक्रेसी ना रहती हो, वो इंफॉर्मेशन आपकी पब्लिक इंफॉर्मेशन कहलाती है. ठीक है, तो जब भी आप पब्लिक इंफॉर्मेशन को समझना चाहोगे तो हम उसको कैसे समझते हैं, इट इज़ एन ई गवर्नेंस सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन्स इक्वली टू शेयर द इंफॉर्मेशन विच इज़ फ्रीली पब्लिकली और अवेलेबल टू एवरी सिटीजन, एंड इट इज़ अलाउड टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन इवन इन लार्जर एरियाज. ठीक है, तो जब भी इस तरह की सर्विसेज को हम अवेल करना चाहते हैं तो पब्लिक सर्विस सेक्टर्स क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया की रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अलग तरह से ब्रॉडकास्ट करते हैं. से फॉर एग्जांपल, कुछ पब्लिक एरियाज जैसे कि हॉस्पिटल्स, रेलवेज, पब्लिक ऑफिसेस, ये सारे क्या हैं, ऐसे सर्विस एरियाज हैं जिनके नंबर आर ओपन टू ऑल. इनके लिए इनके इंक्वायरी नंबर्स, इनके सर्टेन रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ के नंबर, इनके एड्रेस, इनके ईमेल, दे आर ओपन टू ऑल एंड एवरीबडी कैन रीच आउट देयर. तो इसको बांटने का तरीका ये नहीं हो सकता हम कि हम रोज़ अखबारों में इसके इश्तेहार निकालें. इसको ब्रॉडकास्ट करने का तरीका क्या होता है, आप रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करो थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. तो हम यहाँ पर पब्लिक इंफॉर्मेशन को विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसके दौरान हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या तरीके हैं जिसके थ्रू, जिसके हेल्प से गवर्नमेंट वो पब्लिक इंफॉर्मेशन को सिटीजन्स तक पहुँचाती है, और कैसे, क्या ऐसे तरीके हैं जिनके हेल्प से सिटीजन्स उस पब्लिक इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है या ऐसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है विच इज़ सीक्रेटिव और समटाइम्स विच इज़ प्राइवेट. अच्छा, यहाँ पे दो बातें बोल दी गई हैं, जिसमें से एक बात तो जस्टिफाई कर रही है हमारे वाइडर डिसमिनेशन मॉडल को, और दूसरी बात हमारी जस्टिफाई कर रही है हमारे क्रिटिकल फ्लो मॉडल को. इस पॉइंट को हम आगे आने वाली स्टेजेस में दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट ही आ गया, व्हाट आर द मॉडल्स यूज्ड इन पब्लिक इंफॉर्मेशन. तो अभी हमने बात करी थी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए वाइडर डिसमिनेशन मॉडल इज़ द मोस्टली यूज्ड मॉडल, यानी इस मॉडल की हेल्प से ही हम ऐसी इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल हो. नाउ ये ब्रॉडकास्टिंग वाला फैक्टर वहाँ पे तो वर्क करेगा जब गवर्नमेंट को सिटीजन से कुछ शेयर करना हो, कुछ बात बतानी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो.
बट ये मॉडल वहाँ पे वर्क नहीं करेगा जब सिटीजन को गवर्नमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम दूसरे मॉडल को भी इसी मॉडल में मर्ज करने की कोशिश करेंगे, विच इज़ क्रिटिकल फ्लो मॉडल। तो हमने क्रिटिकल फ्लो मॉडल भी पढ़ा था। वॉट इज क्रिटिकल फ्लो मॉडल? ऐसा मॉडल जो किसी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को, जिसकी क्या इन्फॉर्मेशन कैटेगरी टाइप क्या होता है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन स्टैंड्स फॉर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कुछ सिलेक्टिव लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, किसी सिलेक्टिव स्मॉल ग्रुप को बिलोंग करती हो, एक्सेट्रा। दैट मीन्स ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल भले ही ना हो, बट ऑन रिक्वेस्ट पब्लिकली अवेलेबल कराई जा सके, उसको, उस तरह की इन्फॉर्मेशन को क्रिटिकल फ्लो मॉडल के अंदर मैनेज किया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा पब्लिक इन्फॉर्मेशन सर्विस दोनों ही तरह के मॉडल्स का ब्लेंड है, विच फर्स्ट इज वाइडर डिसेमिनेशन मॉडल एंड सेकेंड इज क्रिटिकल फ्लो मॉडल। एंड बोथ ऑफ दीज मॉडल हेल्प्स अस टू मेंटेन अ प्रॉपर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू एन ऑथराइज्ड चैनल। तो जिस तरह से इन्फॉर्मेशन सिटीजन से गवर्नमेंट तक जानी चाहिए और जिस तरह से फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से सिटीजन तक आना चाहिए, उन दोनों ही तरह के फ्लो के लिए ये दोनों मॉडल्स हेल्पफुल होते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन फ्लो को कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एज अ फ्रॉम गवर्नमेंट टू सिटीजन। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पहले भी पढ़े हैं और अभी भी समझ सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करनी है, पब्लिकली अवेलेबल करानी है, तो ऐसे बहुत सारे मीडियम्स हैं जिसके थ्रू वो करा सकता है, जैसे कि उसकी पब्लिक अथॉरिटी वेबसाइट्स, जैसे कि वीडियो मैसेज ऑन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स सच एज सोशल मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, एक्सेट्रा। न्यूज़पेपर कैन बी योर मीडियम एज वेल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्लो कराने का तरीका फ्रॉम गवर्नमेंट टू सिटीजन बहुत इजीली अवेलेबल है। बट अगर यही चीज़ सिटीजन को गवर्नमेंट से चाहिए, यानी सिटीजन को गवर्नमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तब सिटीजन गवर्नमेंट के पास ये चीज़ें ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकती। उसके पास क्या तरीका होता है, एक चैनल फॉलो करना, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, RTI। RTI मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर हर इंडिविजुअल, हर सिटीजन को ये अलाउड है कि वो एक सर्टेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को एक सर्टेन अथॉरिटी से एक्सेस करवा सके। बट इस पूरी प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए हमें एक प्रॉपर चैनल, प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन स्मूथली विद रिकॉर्ड्स कंडक्ट हो सके। तो जब भी ये फ्लो सिटीजन टू गवर्नमेंट जाता है, तो उस समय हम लोग RTI जैसी एक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, जो अभी तक जैसे हम हर सर्विस के साथ पढ़ते आ रहे थे कि उनके ऑथराइज्ड मिनिस्ट्री क्या है, या ऐसा कौन सा ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है जो उस इन्फॉर्मेशन को एप्लीकेबल बना रहा है, उसी तरह से हम यहाँ पे भी समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन की तरह से वर्क करता है, यानी इस सर्विस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप कौन सी डिपार्टमेंट को फॉलो करोगे, किस डिपार्टमेंट का ये काम होगा इस पब्लिक इन्फॉर्मेशन सर्विस को इम्प्लीमेंट कराना। तो द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DOPT, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू गवर्न दिस होल प्रोसेस ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन, एंड अंडर दिस सिटीजन्स कैन एक्सेस द एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट रूल थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट विच कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। तो अगर आप RTI फाइल करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको क्या करना है, ये पूरा प्रोसेस आप किसी उसके पर्टिकुलर ऑफलाइन ऑफिस में जाके भी कंडक्ट करा सकते हो। बट सिंस हम ई गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, तो हम एक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिकली हम इस डेटा को एक्सेस करा सकते हैं। तो वी हैव दिस वेबसाइट विच इज़ RTIonline.gov.in, वेयर यू कैन गो, यू कैन फाइल RTI फॉर द रिस्पेक्टिव डेटा, कंसर्न डेटा, एंड द कंसर्न डेटा विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन सम स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, बट देर इज़ अ प्रोसीजर by which you can get all this process done, and this process
दिस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स सर्टेन स्टेप. ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक पब्लिक अथॉरिटी होती है. मतलब पब्लिक अथॉरिटी इज अ बेसिकली इट इज अ पर्सन, इट इज अ डिपार्टमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू सिटीजन व्हेन आस्क्ड ओनली. ठीक है, तो जब किसी सिटीजन द्वारा कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक किसी डिपार्टमेंट से लेनी होती है, देन द पब्लिक अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन थ्रू अ प्रॉपर चैनल. तो जब भी हम लोग इस आरटीआई को प्रोसेस करना चाहेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पब्लिक अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन रजिस्टर करवानी पड़ेगी, विच कैन बी एन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू विच दैट पब्लिक अथॉरिटी इन सर्टेन डेज सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रिवर्ट बैक टू यू विद द पर्टिकुलर कॉपी ऑफ द डेटा दैट यू हैव आस्क्ड फॉर. ठीक है, एंड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ डेटा, फ्लो ऑफ रिकॉर्ड्स इज डन इलेक्ट्रॉनिकली और समटाइम्स मैनुअली इफ आस्क्ड फॉर. ठीक है, तो दिस वॉज द प्रोसीजर. नाउ क्या तरीका है इस तरह से किन किन तरह की इंफॉर्मेशन को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो किस तरह के डेटा, किस तरह की इंफॉर्मेशन को आप किसी पब्लिक इंफॉर्मेशन के अंदर से एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हैं, ये वो कुछ नाम है. जैसे कि फर्स्ट इज रिकॉर्ड्स. किसी भी तरह के रिकॉर्ड्स जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टाइम पे क्रिएट किए जाते हैं, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पे बनाए जा रहे हैं उनके वर्क फ्लो को दिखाने के लिए, बताने के लिए. थर्ड कैन बी मेमोज. मेमोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स हम इसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं. मेमोज आर द बेसिकली स्मॉल मैसेजेस विच आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, जो अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में पास किए जाते हैं टाइम टाइम पे एक किसी सर्टेन एक्टिविटी को कंडक्ट कराने के लिए. ये रिकॉर्ड जनरेशन के लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल टूल होता है. इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं. वी कैन एक्सेस ईमेल्स जो किसी एक अथॉरिटी ने किसी एक अथॉरिटी को भेजी होगी, उन ईमेल्स को एक्सेस कर सकते हैं. प्रेस रिलीज, उस ऑर्गेनाइजेशन ने कब कब डेटा प्रेस में किस फॉर्म में रिलीज़ किया, उनको उनके इंटरनल सर्कुलर्स को, उनके द्वारा क्रिएट की गई लॉग बुक रिकॉर्ड्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. उनकी ईयरली, मंथली या किसी तरह की रिपोर्ट्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. कोई सैम्पल जो उन्होंने अपनी प्रोसेसिंग के दौरान क्रिएट किया हो, बनाया हो, उसके रिकॉर्ड को हम लोग कर सकते हैं. या फिर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली प्राइवेट बॉडी के साथ एसोसिएटेड हो, उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं. और ये हर तरह की इंफॉर्मेशन बहुत इजीली एक कुछ स्मॉल स्टेप्स को फॉलो करके एक्सट्रैक्ट की जा सकती है. ठीक है, तो दिस वॉज अंडर आरटीआई एंड दिस वॉज होल पब्लिक इंफॉर्मेशन सर्विस. नाउ आवर नेक्स्ट सर्विस इज कमर्शियल सर्विस. अभी आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमने पब्लिक इंफॉर्मेशन को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, और हमने इंश्योर किया कि हम जिन मॉडल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन मॉडल्स को प्रॉपरली फॉलो किया जा सके, जिसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन दोनों ही चैनल्स को फुलफिल करें, फ्रॉम गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड सिटीजन टू गवर्नमेंट. ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर सर्विस इज स्लाइटली डिफरेंट देन द सर्विस दैट वी हैव जस्ट अंडरस्टूड. इट इज रिलेटेड टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस. ठीक है, अभी आपको पता होगा गवर्नमेंट की सैलरी जनरेट कैसे होती है या गवर्नमेंट फंड कैसे रेज करती है. इट डिपेंड्स अपॉन आवर टैक्सेस, यानी हम जो टैक्स पे करते हैं उस टैक्सेस के दौरान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अलग अलग तरह से उस टैक्स पैसे को यूटिलाइज करते हैं हमारे ही बेनिफिट के लिए, यानी पब्लिक सर्विसेज के लिए, उनकी सैलरीज बनाने के लिए और अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट और रन करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टाइम पे अलग अलग फॉर्म में इन टैक्सेस को एक्सेप्ट करती है. तो ये जो टैक्सेस वाला पोर्शन है ये कमर्शियल सर्विसेज के अंदर आता है. कमर्शियल सर्विसेज क्या होती हैं, ऐसी सर्विसेज जहाँ जो कमर्शियली अवेलेबल हो और जो सिटीजन्स के साथ एसोसिएटेड हो. तो अगर आप अपने दिनचर्या में कोई भी सामान खरीदते हैं, किसी भी तरह का कोई भी सामान खरीदते हैं, तो उस सामान को खरीदने के दौरान
बनाने के दौरान समय समय पे इन अलग अलग स्टेजेस पे हम कुछ कुछ रुपया दुकानदार को देने के साथ साथ गवर्नमेंट को भी देते हैं, ठीक है। अब ये जो पैसा ओवरऑल मनी जो उस प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट के बाद ऐड की जाती है, वो प्रॉफिट भी हो सकता है, वो किसी दुकानदार की, किसी होलसेलर की अर्निंग भी हो सकती है, वो उसकी बेस कॉस्ट भी हो सकती है, बट इन सब के अलावा कुछ एक अमाउंट होता है जो टैक्स के रूप से एसोसिएटेड होता है, और ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट अपने लिए या हमारे लिए अलग तरह से यूज़ करती है। तो इस पूरे सर्कल को या इस पूरे फंडिंग वाली प्रोसेस को हम कमर्शियल सर्विसेज के अंदर रखते हैं। तो ऐसी सर्विसेज जो कमर्शियल टैक्सेस से एसोसिएटेड हो, उस तरह की सर्विसेज को हम कमर्शियल सर्विसेज के अंदर रखते हैं। नाउ द कमर्शियल टैक्सेस आर द टैक्स दैट आर प्लेस्ड ऑन गुड्स विच आर सोल्ड कमर्शियली। कहने का मतलब क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी पेड फॉर ऑल द अर्निंग्स, ऑल द प्रॉफिट, ऑल द कॉस्ट विच इज available with the good that we are going to buy commercially, and every product have certain range of tax which is paid to the government, ठीक है। Now इस पूरे commercial taxes में कुछ difference होता है, यानी हम यहाँ पर taxes को समझने की कोशिश करेंगे कि जब जब ये tax pay किए जाते हैं by citizen या by shopkeeper या by wholesaler, तो इस पूरे दौरान हम क्या कर रहे होते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं, सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। यानी मैंने जो पैसा अगर गवर्नमेंट को दिया है तो ये फ्री में नहीं दिया है, इसके बदले मुझे कोई सर्विस मिली है, यानी मुझे एक मैन्युफैक्चर्ड गुड मिला है। मैन्युफैक्चर्ड गुड कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग कभी एक सोप बाय कर रहे हैं तो वो सोप नेचुरली उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, उस सोप को उसके ओरिजिनल वर्जन से यूजेबल वर्जन तक लाने में अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग कॉस्ट कंज्यूम हुई होगी, उसकी ओवरऑल कॉस्ट में कुछ एडिशनल फंड होता है जिसको हम लोग टैक्स के रूप से जमा करते हैं। तो ये जितने भी टैक्सेस होते हैं एक सर्टेन परसेंटेज फॉलो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ गुड, और हर चीज़ इंडिविजुअली रेफर की जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम समझते हैं क्या क्या तरह के टैक्सेस हैं, यानी टाइप्स ऑफ टैक्सेस। फर्स्ट इज योर सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स आपने सुना होगा, सेल्स टैक्स क्या होता है, इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई सामान खरीदा तो मुझे वो टैक्स गवर्नमेंट को देना था, पर मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को ना दे के पहले किसी इंटरमीडिएट पर्सन को दूँ, और फिर वो इंटरमीडिएट पर्सन उस मल्टीपल लोगों से वो टैक्स को कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को दें। यानी जैसे क्या होगा, अगर आप किसी शॉप पे जाएं तो आपके जैसे 10 15 20 100 हज़ार लोग आएंगे और अलग अलग प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे, और उस परचेजिंग के दौरान वो टैक्स ऑलरेडी पे कर रहे हैं, यानी हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे जो टैक्स बनता है वो ऑलरेडी वो टैक्स पे कर रहे हैं और गवर्नमेंट को ना दे के उस शॉपकीपर को दे रहे हैं। शॉपकीपर का काम क्या है, हर इंसान से वो सर्टेन टैक्स एक्सेप्ट कर लेना, और फिर उसके बाद ओवरऑल उसका जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो ओवरऑल टैक्स का स्ट्रक्चर क्रिएट करके गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना, दिस इज नोन एज सेल्स टैक्स। तो ये क्या होता है, ये मर्चेंट कलेक्ट करते हैं, सिटीजन्स पे करते हैं मर्चेंट को, ना कि गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेल्स टैक्स है। नेक्स्ट इज योर एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ऐसा टैक्स जो गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स पे लगाती है जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरर्स पे बनने वाला टैक्स। तो अभी तक क्या थे, दो लोग इन्वॉल्व थे, शॉपकीपर जो सामान को बेच रहा था उसने भी वो सामान बनाया नहीं था, सिटीजन्स या कंज्यूमर्स जो सामान को खरीद रहे थे उन्होंने भी वो सामान बनाया नहीं था। तो इन दोनों का काम क्या था, सिटीजन्स अपना शेयर देता है टैक्स का, और शॉपकीपर उन सारे शेयर को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भेजता है। बट द टैक्स विच इज़ पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिविजुअल उस प्रोडक्ट को बना रहा है, उसको बनाने के लिए दौरान जो एक टैक्स, यानी उसको उस लाइसेंस्ड या अलाउड जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए जो टैक्स पे करना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज एक्साइज ड्यूटी। इस एक्साइज ड्यूटी को मैन्युफैक्चरर्स पे करते हैं टू द गवर्नमेंट, इसीलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या है, ये वो टैक्स है जो गवर्नमेंट हर उस प्रोडक्ट पे लगाती है जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं या हम जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द
टू एंड फ्रॉम द कंट्री, है ना, यानी कोई सामान जो हम किसी और की कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है, या ऐसा प्रोडक्ट जो हमारा हमारी कंट्री से किसी और कंट्री में जा रहा है, दोनों ही टैक्स के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो जो भी सामान हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको हम इम्पोर्ट टैक्स कहते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको हम एक्सपोर्ट टैक्स कहते हैं। ये दोनों ही टैक्स जो हैं ये कस्टम ड्यूटी के अंदर आते हैं, अगेन कमर्शियल टैक्स हैं, दोनों ही उनके द्वारा पे किए जाएंगे जो सामान को या तो रॉ मटेरियल्स को या बने हुए सामान को या तो कंट्री में इनटेक कर रहा है या वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्लियर होगा। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कि हम क्यों ये कमर्शियल सर्विसेज बनाएं, या इसकी हेल्प से क्या, अगर मैं कोई ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट बनाऊं तो उसमें क्या बेनिफिट होगा, बेनिफिट क्या होगा। यही सारे काम जो हम लोग कर रहे हैं इन सबको हम ऑनलाइन कर पाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिकली हम टैक्स को भर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकली इन टैक्सेस पे जो रिटर्न मिलते हैं, जिनको आईटी रिटर्न्स कहते हैं, उनको हम रिटर्न्स जनरेट करवा पाएंगे। हम वही टैक्स, अगर हमारा कोई टैक्स अनपेड रह गया है, कोई टैक्स क्लियर नहीं हुआ है, जिसका कुछ भी रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट या टू द गवर्नमेंट, उसको क्लियर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली मीडियम एप्लीकेबल हो पाए, इसके लिए कोई ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट बनना चाहिए या होना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन इंश्योरेंस या CST कमर्शियल सर्विस टैक्स एप्लीकेबल हो पाए किसी ऐसे ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट में, इसको इंश्योर करना चाहिए। तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, जो जो ऐसा कोई ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट जो इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता हो वो हमारे कमर्शियल सर्विसेज के अंदर एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, लास्ट इज कुछ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, और ये मोस्टली हमारे स्टेट MMPs के अंदर आते हैं, जो कुछ सर्टेन स्टेट्स हैं जो इन टैक्सेस को ऑनलाइन पे करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स प्रोवाइड करा रही हैं, जिनमें से फर्स्ट इज योर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट GOAP। ये आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश की स्टेट ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट MMP है, जो इस वेबसाइट के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है, जहाँ पे आप ऑनलाइन टैक्सेस या वो जो ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे उनको फुलफिल कर सकते हैं। सेम दिस इज अवर गुजरात सेल्स टैक्स प्रोजेक्ट, जो इस वेबसाइट के अंदर कमर्शियल टैक्सेस भरे जा सकते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्स, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्स, ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की वेबसाइट है, जो इस पर्टिकुलर वेबसाइट से एक्सेस की जा सकती है। सो दीज आर द प्रोजेक्ट्स, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स जो अलग अलग स्टेट्स में MMPs की तरह से वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये कमर्शियल सर्विसेज की साथ एसोसिएटेड। आई होप ये लेक्चर क्लियर होगा। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन मैसेज मी और ईमेल मी। थैंक यू।